दोस्तों, शायद आप लोग गूगल कैम यूज़ करते हो तो इसका एक नया वर्जन आया है जो कि फिलहाल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। यूज़ कर रहा हूँ रेडमी नोट 7 प्रो में। वर्जन से इसका स्मूथनेस थोड़ा अच्छा किया गया है। देख सकते हो कैसे स्मूथली जूम हो रहा है, जो पहले अपडेट वर्जन में नहीं था। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हो टेक एवरीडे। चलिए देखते हैं गूगल कैम का इस नया वर्जन में कौन कौन सा फीचर्स नया इंक्लूड किया गया है, और मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे ही कॉन्टेंट लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पहला, जी कैम के मुकाबले इसका यूआई जो है वो सिंप्लीफाइड किया गया है। इसका ट्रांजिशन बहुत स्मूथ है और आप देख सकते हो जैसे कैमरा, वीडियो, मोड सब में बहुत अच्छा से ट्रांजिशन हो रहा है, और हर मोड का ऑप्शन जो एकदम सामने दिख रहा है। यह अगर नया यूज़ कर रहा है जी कैम को, उसके लिए बहुत सुविधा है। देखिए, एक फ़ोटो खींच के दिखाते हैं। इसमें जो नया चीज़ है, यह है शेयरिंग का ऑप्शन। देखिए, वन क्लिक शेयर, फेसबुक, टेलीग्राम, मैसेंजर, ये सब में आपको वन क्लिक शेयरिंग का ऑप्शन मिलता है। तो देखिए, पोर्ट्रेट मोड है, पोर्ट्रेट मोड में बहुत सारा ऑप्शन भी है। वीडियो में देखिए, ऊपर से ट्रैक करके आपको रेजोल्यूशन सेट करने का ऑप्शन मिलता है। देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा स्टेबलाइज हो रहा है। देखिए यहाँ पे टाइम लैप्स भी है, ऑप्शन है यहाँ पे 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, 120 सेकेंड, ऐसे आप सेट कर सकते हो। और इसमें देखिए फोटोस्फीयर, ये भी बहुत अच्छा से काम करता है। आप कोई भी एक पॉइंट से लेके पूरा 360 डिग्री क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छा से काम करता है। देखिए यहाँ पे फ्रेम रेट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, 24, 60, 30, ऐसे ऑप्शन मिलता है आपको रिकॉर्ड करने के लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग में ये बहुत काम आता है। सेटिंग ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाएगा। इसमें सबसे अच्छा चीज़ जो है वो है ऑडियो जूम। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का आप फोटो ले रहे हैं तो उसको जूम करेंगे तो इसका ऑडियो बहुत अच्छा से आएगा। ये ऑडियो जूम नया फीचर्स आया है। सोशल शेयरिंग के दौरान आप कोई भी 3 ऐसे ऐप सिलेक्ट कर सकते हो जिसमें आप शेयर करना चाहते हो, उस लिस्ट में सिर्फ 3 ही इनेबल होगा। फिर चलते हैं अगला सेटिंग में, जो कि है स्टोरेज का। यहाँ पे ऑप्शन है, देखिए लो स्टोरेज मोड, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रखेंगे तो आपको फोटो या वीडियो को लो क्वालिटी में सेव कर सकते हो और स्टोरेज बचा सकते हो। यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे HDR कंट्रोल, रॉ JPEG कंट्रोल, ऐसे आप रॉ JPEG कंट्रोल ऑन करेंगे तो आपको रॉ फाइल सेव हो जाएगा। कैमरा रेजोल्यूशन भी आप सेट कर सकते हो, फुल स्क्रीन और स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन दो ऑप्शन है आपके पास। ये वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखिए यहाँ पे देख सकते हो, और वीडियो स्टेबलाइजेशन में आप जाएंगे तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेगा आपको, स्टैंडर्ड, लॉक्ड, एक्टिव और सिनेमेटिक पैन। इसमें से कोई भी आप आपके वीडियो अनुसार सेट कर सकते हो, जो भी स्टेबलाइजेशन चाहिए आपको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अभी के लिए जी कैम सिर्फ स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फ़ोन पे ही चल पाएगा। अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोसेसर वाला फ़ोन है तो इसमें शायद आपको गूगल कैम का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। देखिए इसका कलर एडजस्टमेंट भी पहले से बेहतर किया गया है, थैंक्स टू द XDA डेवलपर्स जिन्होंने ये जी कैम को हमारे दूसरा मोबाइल में सपोर्ट करने लायक बनाया है। इसका देखिए कलर एडजस्टमेंट बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेहतर किया गया है, आप देख सकते हो। चलिए इसका वर्जन दिखा देता हूँ। सेटिंग में चलते हैं, यहाँ पे लर्न मोर ऑप्शन है। यहाँ पे देख सकते हो इसका वर्जन लिखा हुआ है 8.0.101 लिखा हुआ है, देख सकते हो इसका एकदम नया वर्जन आया है। और इसका स्टेबिलिटी का बात करें तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे ऑप्शन बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे HDR कंट्रोल करने का ऑप्शन भी बहुत बढ़िया है। आप जो भी गूगल कैम में नया आया है उनके लिए बहुत सुविधा है, सब ऑप्शन आपको हाथ के सामने ही मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फ़ोटो लेके दिखाता हूँ आपको, कैसे जूम हो रहा है, कैसे फ़ोटो आ रहा है। देखिए फ़ोटो ले लिए, इसको जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए क्वालिटी में थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और जितना डिटेल्स आना चाहिए उतना डिटेल्स आ रहा है। जैसे आपका कैमरा का क्वालिटी होगा, कैमरा हार्डवेयर होगा, उस हिसाब से ही आपका फ़ोटो आएगा। आप अपने डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप के साथ साथ भी ये यूज़ कर सकते, दोनों को कंपेयर करके चलिए कुछ फ़ोटो देख लेते हैं। जैसे कि ये स्टॉक कैमरा में थोड़ा अच्छा आ रहा है, गूगल कैम में एक्सपोज हो गया है, फ़ोटो थोड़ा ब्लारी टाइप का आ रहा है। देखिए स्टॉक कैमरा में कलर सैचुरेशन ज़्यादा है, लेकिन जी कैम में डिटेलिंग ज़्यादा है। और इसमें देखिए डिटेलिंग आप देख सकते हो, स्टॉक कैमरा के मुकाबले इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल आपको नज़र आ रहा है। जी कैम को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्त के साथ शेयर भी कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही रोज़ाना आपके लिए नया वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।